वंदे मातरम वंदे मातरम। आपको धन्यवाद बच्चों। मेरा नाम है पीएस बारची, मैं भी निमार पाया हमारे पास, बट मैं एग्रीकल्चर या कृषि विभाग में काम करता हूँ। और आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए जो चीज मैंने सीखी है ना, खास करके कि आपको आपकी स्मरण शक्ति ज्यादा हो, आप योगा प्राणायाम से जुड़े, और कौन से प्राणायाम जो सुबह आप लोग को करना चाहिए और प्राणायाम से क्या फायदा होता है ना, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। होता क्या है कि अपन याद करने बैठते हैं, कोई होमवर्क अपने को दिया कि अपने को नींद आती है, अपने को आलसी आती है ना, और अपने को जो अपन पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। तो वो तरीका मैं आपको बताने आया हूँ कि आप जो भी पढ़ेंगे वो जल्दी से आपको याद हो जाएगा, है ना। तो वो तरीके मैं आपको बताने आया हूँ। हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है वो होती है प्राणवायु, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद पानी आता है, पानी के बाद फिर भोजन आता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जीने के लिए क्या होता है, श्वास, ऑक्सीजन। सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्सीजन, प्राणवायु जिसको बोलते हैं। यदि एक दो मिनट हमारे नाक और मुंह बंद कर दें तो हमारी मौत हो जाएगी। वो ये इसको दबा दे, ये पूरा मुंह दबा दे, श्वास लेने नहीं दे, तो हमारी मौत हो जाएगी। दो मिनट के अंदर ही मौत हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है प्राणवायु, और आपकी स्मरण शक्ति भी तब बढ़ेगी जब आपके पास प्राणवायु अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। तो बच्चों सुबह जल्दी उठना चाहिए, ऐसा हमारे बुजुर्ग बोलते हैं। सुबह अपने को सूर्योदय से आधा घंटा पहले उठना चाहिए, सूर्योदय से आधा घंटा पहले हमको खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जो हमारे एटमोसफियर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो 35% ज़्यादा होती है। 35% ऑक्सीजन इस वातावरण में ज़्यादा होती है, और हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है,